आज हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय का मोहताज नहीं है। बिंद में नेता प्रतिपक्ष को पूरे मध्य प्रदेश में, समूचा मध्य प्रदेश जानता है, लेकिन उनके सुपुत्र अरुणोदय सिंह को भी पूरा मध्य प्रदेश जानता है। राजनीति से बिल्कुल अलग है, अभी एक्टिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। आज अपने पिता के पक्ष में चुरहट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान करने आए हैं। क्या लगता है इस बार फिर से आपके पिताजी यहाँ से निर्वाचित होंगे, जनता चुनेंगी? चाहते तो ये हैं, फिर जनता जो करती है वो जनता जानती है जी। जिस तरह से हर नेता, चाहे मोइना सिंह हो, अपने भाई के प्रचार के लिए रीवा आई थी, सिरमौर आई थी, आप अपने पिताजी के किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं आते, क्या कारण है? क्योंकि मेरे पिता को मेरी ज़रूरत नहीं है जी, और जिस काम के लिए वो करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बस एक चेहरा हूँ यहाँ पे, प्रचार में मेरा कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो आपकी शख्सियत है, जिस तरह से आपको लोग जानते हैं, आपका जो ग्लैमर है, अगर आप चुनाव में आते प्रचार में तो शायद पिताजी की तरफ और अच्छा माहौल होता, इससे आप कितना? मैंने जो सुना है उनके माहौल तो अच्छे रहते हैं जी जी, और मैं थोड़ा शांत आदमी हूँ, भीड़ भाड़ से मैं दूर रहता हूँ। जैसे दिग्विजय सिंह हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बेटा राज्यवर्धन राजनीति में आ गया है, और हर नेता का कोई ना कोई उत्तराधिकारी के रूप में। आगे के बारे में कौन क्या कह सकता है जी, अभी के लिए मैं एक्टिंग करता हूँ जी, और एक्टिंग से खुश हूँ जी। अभी के लिए अजय सिंह यहाँ, इनके बाद आगे तीसरी पीढ़ी, जैसे दादाजी के उत्तराधिकारी आपके पिताजी थे, और पिताजी का उत्तराधिकारी कौन होगा? पता नहीं, कोई तो होगा। अभी एक्टिंग में आपकी क्या रुचि है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और आने वाली फिल्में हैं? अभी तो मैं विदेशी थोड़ा काम कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे अच्छा स्क्रिप्ट जो मिलेगा, कोई चाहता है तो मैं वो कर लूँगा। कोई नई फिल्म, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं, दोनों प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं वो सब विदेश हैं जी जी। होटल का भी आपका काम है ऐसा, लोग के होटल गोवा ओवा में, बड़े होटल? मेरी बीवी का रेस्टोरेंट था जी जी, होटल नहीं था, रेस्टोरेंट सर जी जी। तो अभी है नहीं, चल रहा था, अभी बंद कर दिया जी 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 जी। तो आज आप वोट करके यहाँ से चले जाएंगे कि रुकेंगे? नहीं, वोट करके चले जाएंगे। यहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये जो इंटरेस्ट आपका की बात नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अभी नौकरी के लिए 2 दिन मुझे छुट्टी मिली है, तो फिर वापस करना पड़ेगा। मैं अपना स्केड्यूल थोड़ी डिसाइड करता हूँ, वो मुझे स्केड्यूल देता है जी जी। तो ये जो क्षेत्र है, लगता है कि अभी भी ये सब प्रश्न आप उनसे पूछें जी, हमसे ठीक है, कोई मछली काटने नहीं वाला। पुत्र अरुणोदय सिंह से हुई, उन्होंने बताया कि पिताजी ने कभी मुझे चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया, और वो पर्याप्त है, और उनका यहाँ पे अच्छा क्रेज है, मैं आज उनके पक्ष में मतदान करने के लिए आया हूँ। वहीं उत्तराधिकारी के बारे में प्रश्न पूछा गया तो बोले, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि मुझे राजनीति में आया है, राजनीति में आना है, आगे जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। सीधी से कैमरामैन नरेश वर्मा के साथ अटल शुक्ल की रिपोर्ट।